नमस्ते डियर एस्पायरेंट्स, जैसे कि आप सभी लोग वेट कर रहे थे कि आप लोगों का एडमिट कार्ड प्लस एनटीए कब सिटी इंटीमेशन का नोटिफिकेशन आउट करेगा, तो आज 31 मई को एनटीए ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में एक पब्लिक नोटिस आउट किया है। तो वही आप लोग देख रहे हो कि आप लोगों का जो सिटी में इंटीमेशन होगा वो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले होगा, साथ ही में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कौन सा शिफ्ट में होगा वो भी एनटीए ने शेयर किया है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये होगा आप लोगों का शिफ्ट, जहाँ पे बताया गया है कि कौन सा शिफ्ट में कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। आप लोग अच्छे से देख सकते हो, जैसे कि जितना भी बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, लाइक कॉमर्स का बोलिए, देन ज्योग्राफी का बोलिए, देन आपका हिस्ट्री का बोलिए, फिलोसफी का बोलिए, तो उन सभी का शिफ्ट मॉर्निंग में होगा। और ये मॉर्निंग वाला शिफ्ट का टाइमिंग कितना है, आपका 9:30 से 12:30 तक का टाइम है। और जो इवनिंग शिफ्ट का है वो आपका, उसका टाइमिंग है आपका 3 से 6 तक। तो यही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज आउट किया गया है। और एक चीज़ जो आप लोगों का एग्ज़ाम को लेके थोड़ा बहुत बातचीत हो रहा था कि वो एग्ज़ाम कब होगा कि नहीं होगा, 18 को होगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, इस नोटिस के अनुसार जैसा लग रहा है कि एनटीए बहुत ही जल्द से काम कर रहा है और आपका एग्ज़ाम जो डेट फिक्स किया गया है, तय किया गया है, उसके अनुसार 18 जून को ही होगा। एनटीए डेट को पोस्टपोन नहीं करेगा मोस्ट प्रोबेबली। ऐसा भी नहीं है कि पोस्टपोन नहीं कर सकते, पहले भी किया है तो पोस्टपोन हो भी सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली पोस्टपोन नहीं करने का चांस है, बिकॉज इतना जल्दी जल्दी काम कर रहा है, नोटिफिकेशन भी आउट कर दिया है। और आप लोगों का अगर एडमिट कार्ड के बारे में अगर मैं कहूँ, तो एडमिट कार्ड बेसिकली आप लोगों का सिटी इंटीमेशन के बाद ही आता है। तो उसमें तो एनटीए ऐसा भी करता है, ऐसा भी किया है पहले कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाता है। तो एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, वो ऐसा कर सकता है फिर से। तो आप लोग देख लीजिए, इसी वीडियो में आप लोगों के साथ इतना ही डिस्कस करना था, तो मैंने फटाफट से वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए। और अगर डिटेल्स में आप लोगों को जानना है तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट का जो ईमेल है, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में ईमेल दे के रखा है, वहाँ पे आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो वहाँ पे ईमेल करके। तो आज के लिए इतना ही। तो और भी मैसेज, जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इस चैनल में कंटिन्यूअसली एनटीए का रिलेटेड, यूजीसी नेट से रिलेटेड जितना भी ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मैं जैसे कि आप लोगों के लिए वीडियो ऑलरेडी बना रहा हूँ, मैंने टिल नाउ 5 वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड किया है, जहाँ पे आपका लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, कम्युनिकेशन है, रिसर्च एप्टीट्यूड है। तो इतना डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियोस अपलोड किया है आप लोगों के लिए, वो भी PYQs, प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। तो अगर आप लोग नए हो, वीडियो को देख लीजिएगा जाके, मेरे चैनल में ही है। आई होप वो वीडियो देखने से आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ मीट होगा फिर से, नया एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। अभी तो काम चल रहा है मेरा, दैट इज़ लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग Part 2 लाने का। तो उस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फिर से 5 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग का डिस्कस करूँगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। Till then, guys, keep watching, keep learning and keep growing. Thanks for watching. धन्यवाद।